Now, what we are today discussing is about double stranded DNA. हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? Double stranded DNA के बारे में. Double stranded DNA के बारे में. इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. पहले हम देखेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर हमें किसने दिया था. ये चीज़ हम पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना. जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास है, इसका जो स्ट्रक्चर था दैट वाज गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिसको हम बोलते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल. और वो दिया था उन्होंने 1953. और इसके लिए इसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था. हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इट वाज गिवन बाय, इट्स स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953. उन्होंने इस मॉडल को दिया था. और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, फॉर दैट मॉडल, जो मॉडल उन्होंने दिया था डबल स्ट्रैंड, डबल व्हाट यू कॉल दिस स्ट्रैंड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, इस मॉडल के लिए उनको मिला था गॉट नोबेल प्राइज. Got Nobel Prize in 1962. ठीक है बेटा, इसके लिए उन्होंने Nobel Prize दिया था. लेकिन ये जो work है ना, असल में it was wrongly given this Nobel Prize. अब तो हम पढ़ लेते हैं, ये तो work किसी और की थी, ठीक है. अब इन्होंने publish कर दी पहले, तो इनको Nobel Prize मिल गया, ठीक है ना. असल में ये इनका जो credit नहीं था, लेकिन फिर भी हम आज पढ़ लेते बुक के अंदर, तो इन्होंने ही दिया था जिन्होंने पब्लिश की थी वर्क को, उन्हें को जो है नोबेल प्राइज मिल गया. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, दे कंपेयर देयर स्ट्रक्चर विद अ लेडर, विद अ ट्विस्टेड लेडर. हम ये बोलेंगे दे कंपेयर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विद twisted leader. वो आयरन की बनी होती है ना, वो twisted ऐसे चलती रहती है, twisted. बिल्कुल उसी के समझ में क्या किया, इसको compare किया. और उनका जो DNA था, the structure of the DNA which they have given was the B DNA. What was that? क्योंकि मैंने पहले ही बताया हमारे पास बहुत सारे B means bent DNA. हमारे पास बहुत तरह के DNA, जैसे A DNA है, B, C, D, E है, और इवन तो हमारे पास Z भी है. उसमें जो मोस्ट कॉमन है AB, Z है, ठीक है ना. तो हम ये बोलेंगे कि उनका जो डीएनए था दैट वाज, जो उन्होंने स्ट्रक्चर दे हैव गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ B DNA स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था, याद रखोगे आप. सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमें बताओ कि वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है, उस मॉडल में जो डीएनए स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था वो कौन सा डीएनए, दैट वाज द B DNA, ठीक है ना बेटा. और B DNA स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, अगर हम जनरली देखें, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना. व्हाट इज इट? लेफ्ट हैंड. उसके बाद ए जो है वो हमारे पास राइट हैंडेड है, और जेड जो हमारे पास उसको zigzag बोलते हैं, ठीक है ना. सॉरी, दिस इज आल्सो राइट वन, बी भी राइट वन है और ए भी राइट वन है. और हमारे पास जो लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हिले कल है, वो कौन सा है? वो जेड है. और जेड इसलिए हम उसको बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो zigzag है. तो हम ये बोलेंगे ऑल हैव अ राइट हैंडेड हेलिकल, सारे है, लेकिन एक्सेप्ट एक, दैट इज जेड. जेड जो वो क्या है, वो लेफ्ट हैंडेड है, ये आप याद रखोगे, ठीक है ना. सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास जो डीएनए स्ट्रक्चर से वो क्या होते हैं, राइट हैंडेड हेलिकल होते हैं, और उसमें जो B DNA इज ओनली वन विच इज ए लेफ्ट हैंडेड, एंड जेड कम्स फ्रॉम द zigzag, ठीक है. लेट्स सी नाउ. तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की साइलेंट फीचर्स को देखेंगे, जो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर दिया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने, B DNA का, और वो भी क्या है, राइट हैंडेड डीएनए है. इसका जो अगर हम साइलेंट फीचर देखेंगे, तो साइलेंट फीचर में हम ये पढ़ेंगे, पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि उन्होंने क्या बताया, कि उन्होंने ये बताया जो हमारे पास डीएनए है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, एंड दीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर ट्विस्टेड अपॉन आर ऑन ए कॉमन एक्सिस. उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास, मैं जनरली दे दूंगा, बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे. उन्होंने बताया कि हमारे पास जो डीएनए है, ठीक है ना बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है, जिसमें हम देखते भी हैं, एक रन करती है फ्रॉम 5' to 3' हमारे पास 3', और दूसरी रन करती है फ्रॉम 3' to 5'. वो हम देखेंगे आज ही वो कैसे है, ठीक है ना.
तो हमने बोला कि इन्होंने क्या बताया, अगर हम इनके साइलेंट फीचर्स को देखेंगे, पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि हमारे पास जो डीएनए है इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एंड दीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर ट्विस्टेड ऑन ईच अदर अपॉन ए कॉमन एक्सिस, ए कॉमन एक्सिस के ऊपर क्या है वो ट्विस्टेड है। तो ये पहला पॉइंट है, अगर हम साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे, किसके किसके साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे, डीएनए की, तो हम वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल की, तो पहला जो पॉइंट उन्होंने बताया जो साइलेंट फीचर्स हम लिखने जा रहे हैं, मैं हर एक को स्ट्रक्चरली आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, पहला पॉइंट उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे पास जो अगर हम साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे, साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए इजंट इट डबल स्ट्रैंड डीएनए, तो अगर हम साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे इसमें जो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, तो उन्होंने क्या बताया इट कंसिस्ट ऑफ कौन सा डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इजंट इट, दे आर टू, यस इजंट इट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स विच आर ट्विस्टेड ईच अदर विच आर ट्विस्टेड ईच अदर, ये पहला पॉइंट उन्होंने बताया एट कॉमन एक्सिस या ऑन कॉमन एक्सिस वो बोल सकते हैं, ये पहला पॉइंट है इसका। आप देखो बिल्कुल वही है, दो है, एक न्यूक्लियोटाइड चेन 5-2, 3-1 दूसरे 3-3, दोनों तो न्यूक्लियोटाइड्स है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स इनके अंदर है लेकिन ट्विस्टेड है, और एक हम बोल रहे हैं कि ट्विस्ट है अपॉन ए कॉमन एक्सिस, तो उस बेस पे हमने पहला फीचर जो उन्होंने बताया किसने, वाटसन। अब सेकेंड फीचर जो है हम ये बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, वन रन्स फ्रॉम 5-3 एंड अदर रन्स फ्रॉम 3-5, इजंट इट एंटी पैरेलल, एंड यू कैन कंपेयर इट विद अ टू रूट्स, आप इसको दो रोड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या हम बोलेंगे एक सिंगल रोड के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं फोर लाइन रोड के साथ, ठीक है ना, जहाँ पे आप देखते हो एक साइड से ट्रैफिक जो है वो कहाँ जाता है, फॉरवर्ड की ओर चला जाता है, एक साइड से अगर हम देखेंगे वो एक साइड से चला जाता है इट मूव्स ऑन फॉरवर्ड, और दूसरी साइड से अगर आप देखोगे वो ट्रैफिक जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो आप ऐसे ही कंपेयर कर सकते हो, जैसे एक से यहाँ से आप श्रीनगर जा रहे हो, मेरे पास नेशनल हाईवे है और ये फोर लाइन वाला है, जैसे आप देखते हो नॉर्मल से तो फोर लाइन वाला है, अब आप देख रहे हो कि आप यू कैन कंपेयर विद द रोड अपॉन विच द ट्रैफिक इज ऑन अपोजिट डायरेक्शन, आप इसको कंपेयर कर सकते हो रोड के साथ बिल्कुल वही फोर लाइन के साथ, और आप देख सकते हो एक में ट्रैफिक जो है श्रीनगर की ओर जा रहा है और दूसरे में ट्रैफिक जो है सोपुर की ओर आ रहा है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल वी कैन कंपेयर इट, तो बिल्कुल वाइस से आप बोल सकते हो। अगर सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे तो सेकंड पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है, मैं अभी बताऊंगा स्ट्रक्चर, इस पॉइंट को मैं स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन करूंगा कि इट कंसिस्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल, है कि नहीं एंटी पैरेलल है ना, स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, वन रन्स फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन, वन रन्स फ्रॉम 5-3 एंड अनदर स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 3-5 एंड अनदर स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 3-5, इजंट इट डायरेक्शन, सो यू कैन कंपेयर इट विद इट रोड अपॉन विच द ट्रैफिक इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इजंट इट, इसके साथ आप कंपेयर कर, जरा इस चीज को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है, मैंने आपको कल बताया था कि इस चीज में थोड़ा आपको बताऊंगा है क्या, असल में चीजें तो क्लियर होनी चाहिए तभी तो इसमें मजा है, पहला पॉइंट तो क्लियर है, सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि आप समझ लो ये हमारे पास एक डीऑक्सीराइबो शुगर है, ठीक है ना, दिस इज ए कार्बन नंबर 1-2, अब मैं OH वाइज नहीं दिखाऊंगा, वो चीज़ें तो मैंने क्लियर की है, अब मुझे कुछ चीज़ें दिखानी है इसमें, अब ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया हमारे पास 5 और इसके ऊपर आप देख रहे हो हमारे पास फास्फेट है, ठीक है बेटा, और यहाँ से हमने बोला ये हमारे पास बन जाता है 5-, अब मैं अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड ले आऊँ, समझ लो यहाँ पे मैंने इसको रखा है एडेनिन एट कार्बन नंबर 1, ठीक है बेटा कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, अब मैं दूसरा ले आता हूँ यहाँ पे, आप समझ लो मैंने दूसरा भी लिया, समझाने के लिए चीज़ों को समझना जरूरी है, 1-2-3-4 एंड दिस विल बी व्हाट 5, और यहाँ पे मैंने एक बांड बनाया, देखो बेटा यहाँ पे जो मैं बांड दिखा रहा हूँ
यहाँ पे बीच में फास्ट फूड है, तो बाहर में दिस इज अ फास्ट फूड एस्टर बॉन्ड, ये चीज तो मैंने क्लियर की थी आपको। और यहाँ पे मैं एडिनिन की जगह क्या ले आ सकता हूँ, गवानिन, ठीक है बेटा, ये बन गए दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बाइंडेड है। अब मैं तीसरा भी ले आऊंगा, ठीक है, चीजों को समझना है, इन चीजों को जरूरी समझना, तभी तो क्लियर हो जाए। व्हाट विल बी दिस, 1 2 3 4, व्हाट विल बी दिस 1 5, इजंट इट। अब इनके दो बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, और ये कौन सा फास्ट है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये है ना चीजें। और यहाँ पे मैं ले आ सकता हूँ सिर्फ, यहाँ पे मैं ले आ सकता हूँ साइटोसिन, ठीक है बेटा। अब और एक मैं ले आता हूँ, ठीक है, चार कौन बना लेते हैं बस, चार तो एनफ है, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस विल बी 5। अब इनके बीच में भी बॉन्ड बनेगा एंड दिस बॉन्ड विल बी अ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ, यहाँ पे हमारे पास थायमिन, व्हाट इज ये थायमिन। अब ये हमारे पास एक चेन बन जाती है, न्यूक्लियोटाइड चेन, और ये न्यूक्लियोटाइड चेन की अगर हम डायरेक्शन देखेंगे, ये रन करती है फ्रॉम 5' टू 3', क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होना हो, तो पॉइंट याद, मैंने पहले दो कंडीशन बताया, एक ये कि ये एक न्यूक्लियोटाइड के बॉटम पे बाइंड हो जाएगा, और दूसरी बात जो मैंने साथ ही में आपको बताई वो ये मैंने बताई कि दोनों का ट्राइफॉस्फेट स्टेट में होना जरूरी है, तभी तो न्यूक्लियोटाइड बाइंड होते। ये हो गया एक स्ट्रैंड, आप समझ लो आप इसको अपोजिट स्ट्रैंड बना लिए। अपोजिट स्ट्रैंड में क्या है, देखो बेटा अपोजिट स्ट्रैंड में आप ऐसा करोगे कि आप समझ लो ये मेरे पास क्या है, डी ऑक्सी राइबो शुगर, व्हाट इज दिस, ओके, और आप समझ लो ये मेरे पास कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या हो गया 5, और 5 के ऊपर क्या होगा, फास्फेट होगा, ठीक है ना बेटा। और ये बन जाएगा मेरा 5', isn't it, it will become a 5', yes। अब कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने आपको बताया था अभी हम इस चीज को, चार ग्राफ्स रूल ओ भी हो रहा है, आप बोलोगे सर मैंने आपको चार ग्राफ्स रूल में जब ये पॉइंट बताया था कि मैंने आपको बताया था एडेनिन मेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, एडेनिन मेक्स 2 डबल बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमिन, एंड गवानोसिन मेक्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद साइटोसिन। अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैंने आपको बताया प्यूरीन मेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पाइरिमिडीन, क्योंकि ये दो पाइरिमिडीन है और ये दो प्यूरीन है, ये तो क्लियर है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई नॉट 2 purines मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड व्हाई नॉट 2 pyrimidines मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्वेश्चन तो आ सकता है, कोई पूछ सकता है आपको, आपको कोई ये बता सकता है ना, व्हाई नॉट एडेनिन एंड गवानोसिन मेक्स अ बॉन्ड, व्हाई नॉट साइटोसिन एंड थायमिन मेक्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऐसा तो होना चाहिए, ये क्यों ऐसा है नेचर के अंदर, डीएनए ने क्यों इस कन्फर्मेशन को सिलेक्ट किया, व्हाई नॉट दिस वन। अब इसका भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा अगर हम 2 purines को ले लेंगे, समझने वाली बात है, अगर हम 2 purines को ले लेंगे, अगर हम 2 purines को ले लेंगे, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डबल एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं डबल एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर फिट करना चाहूँ, ये एक स्मॉल स्पेस के अंदर फिट नहीं होते। देखो डीएनए जो है इट्स अ वेरी मच कम्पैक्ट स्ट्रक्चर, यू नो अबाउट, इट्स फिटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, इट्स अ वेरी कम्पैक्ट स्ट्रक्चर। तो अगर मैं बताऊँ कि अगर मैं 2 purines को ले आऊँ तो वो एक स्मॉल स्पेस के अंदर फिट नहीं होते, तो इसका मतलब उनकी एकोमोडेशन प्रॉपर नहीं हो पाती एक छोटी स्पेस के अंदर, तो ये दोनों बॉन्ड नहीं बना सके, एक जगह से एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ सकते। अब आप बोलोगे सर 2 pyrimidines क्यों नहीं आते, 2 pyrimidines का सिंगल एरोमेटिक रिंग है, वो आ सकते थे लेकिन उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते। देखो मैं दोनों चीज़ों का बता रहा हूँ रीज़न, अगर आपसे कोई पूछेगा आप बोलते हो एडेनिन मेक्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द थायमिन एंड गवानोसिन मेक्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द साइट, वी रिमेंबर हाउ दे मेक इट, क्योंकि मे बी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा हो कि 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं, इशू नहीं, क्योंकि दिस इज जस्ट है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इट्स अ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, वो ऐसे बॉन्डिंग नहीं है जैसे हम बोलते हैं, इट्स अ वेरी वीक बॉन्डिंग, इजंट इट, हाइड्रोजन बॉन्ड, यू नो अबाउट दिस थिंग्स, बट इफ यू हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट इट्स अ फोर्स विच कीप्स द मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट टू ईच अदर, इजंट इट, यू नो अबाउट इन केमिस्ट्री। अब इस चीज़ें मुझे नहीं बतानी, लेकिन मुझे बोलना क्या है, मुझे ये चीज़ बतानी है कि आपको कोई बता सकता है, आप बोल रहे हो कि अभी स्ट्रैंड का डबल स्ट्रैंड बन रहा है, जेने पॉलीमरेज काम करेगा, सिंगल स्ट्रैंड का डबल स्ट्रैंड बना सकता है, हम देखेंगे एप्लीकेशन में, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रैंड बना रहा है, आप बोल सकते थे ना बेटा अगर यहाँ पे थायमिन है तो हम बोलेंगे यहाँ पे एडेनिन आएगा, कॉमन सेंस है, तो हम ये बोलेंगे कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे क्या आएगा,
what will be at carbon number 1 here on this opposite strand? Here will be adenine. And how many bonds of hydrogen will be there? 2 bonds of hydrogen. Isn't it? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है, आपको कोई पूछ सकता है कि हमें बताओ अगर यहाँ पे थायमिन की जगह एडिनिन आ गया, हमने मान लिया ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है कि थायमिन की जगह यहाँ पे कौन सा आ जाए, साइटोसिन आ जाए? तो आप याद रखोगे रीजंस मैं बता रहा हूँ फिर एक बार, एक तो ये चीज है, दो प्यूरिन्स आपस में अकोमोडेट नहीं हो सकते स्मॉल स्पेस के अंदर क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछेगा दो पायरिमिडीन्स क्यों नहीं हो सकते, दो पायरिमिडीन्स इसलिए अकोमोडेट नहीं होते क्योंकि उनकी उनका स्ट्रक्चर छोटा है, तो स्पेस बहुत ज्यादा रहती है दो स्ट्रक्चर्स में, स्पेस रहेगी तो मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो जाएगा। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर व्हिच अ नेचर हैज सिलेक्टेड, व्हिच अ डीएनए मॉलिक्यूल हैज स्ट्रक्चर, दैट इज द एडेनिन मिक्स अ डबल बॉन्ड विद द टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द थायमिन, एंड सिमिलरली द गवानोसिन गवानीन मिक्स है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द साइटोसिन। ये एक नेचर की कंपैक्ट स्ट्रक्चर है, बात आई मेरी समझ? तो हमने देखा कि अपोजिट स्ट्रैंड की जब हमने बात की तो ये बॉन्ड बनाता है एडिनिन, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे ही बाइंड हो जाता है नाइट्रोजन बेस, इसके भी कार्बन नंबर 1 पे ही बाइंड हो जाएगा और हमारे पास जो बॉन्ड बन गया दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्मड इन थायमिन एंड एडिनिन? इट्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सिमिलरली अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाऊँ आपको, क्योंकि चार तो हमने लिए, हम चार बराबर ले लेंगे, what will be this carbon number 1 2 3 4 and this will be a 5, isn't it? Now listen, ab is 5 aur iske beech mein kya banega mujhe batao, bond banega kaun sa? Phosphorylation bond ban gaya, isme koi confusion? Ab yahan pe jo carbon number 1 hai yahan pe aa jayega guanosine, what will be here? Guanosine. And how many hydrogen bonds will be formed? 3 hydrogen. ठीक है ना बेटा, ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर डिफरेंस है जिसकी वजह से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं और व्हाट विल बी दिस कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड दिस विल बी 5। अब मुझे बता 5 और इसके बीच में क्या बनेगा, 3 के बीच में फास्फोराइशन बॉन्ड, ये तो पहले से ही पता है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, गवानोसिन, यहाँ पे क्या आएगा फिर से साइटोसिन, इजंट इट? गवानोसिन किसके साथ बाइंड करता है, साइटोसिन के साथ, और हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। सिमिलरली अब लास्ट वाला मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए ना पहले, व्हाट विल बी दिस 1 2 3 4 एंड दिस विल बी 5, isn't it? अब मुझे बता यहाँ पे क्या बनेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा, अपोज में टी, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ना मुझे बताओ इस साइड में टॉप पे क्या आ रहा है, मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल के इधर दिखाऊं, 3 डैश, इसमें क्या आ रहा है, 5 डैश। नाउ दिस स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 3 डैश टू 5 डैश टू 5, isn't it? दिस बिकम्स एन अपोजिट स्ट्रैंड। तो इस तरह हमारा डीएनए जो है अकोमोडेटेड है, इस तरह अगर हम देखेंगे हमारे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मुलेट हो जाता है। इसलिए तो मैंने बताया इट कंसिस्ट ऑफ 2 एंटीपोलर स्ट्रैंड्स, ओके, वन रन्स फ्रॉम 5 डैश टू 3 डैश एंड अनदर रन्स फ्रॉम 3 डैश टू 5। अभी कुछ नहीं है, मत समझना 3 डैश 5 डैश है क्या, कंफ्यूज मत होना, दिस एक्चुअली द, अगर आप 3 डैश यहाँ पे देखोगे तो अपोजिट स्ट्रैंड का, इट इज एक्चुअली द कार्बन नंबर 3 ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, it's present inside the topmost nucleotide. Similarly, it's a carbon number 5 of what? Deoxyribose, which is present in lastmost nucleotide. तो ये चीजें तो पता होनी चाहिए। तो इस तरह हम इसको represent करते हैं जब भी हम double strand DNA को बनाते हैं। आप इसको जल्दी से बना पहले।
इसकी पिक ले सकते थे आप, बेटर आप पिक्चर ले लो इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं डायमीटर के ऊपर, ठीक है ना, इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के डायमीटर के ऊपर। अगर हम डायमीटर की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारे जो पास जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसके अंदर जो हमारे पास डायमीटर है दो स्ट्रैंड्स का, द डायमीटर इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम, और इन नैनोमीटर इट इज 2.0 नैनोमीटर, इजंट इट। अगर आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे दैट विल बी, और अगर आप एक टर्न देखोगे वो अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम है, कितने बेटा 34 एंगस्ट्रॉम, और दैट विल बी इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर, इजंट इट। तो अगर हम ये देखेंगे कि अगर हम इस चीज को थोड़ा क्लियर करेंगे और स्ट्रक्चरली इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि अगर हम डीएनए का डायमीटर देंगे, हो गया ना डायमीटर जी, यहां से यहां तक तो डायमीटर ही आ जाएगा। ये कितना है 20 एंगस्ट्रॉम है, क्या है 20 एंगस्ट्रॉम है, और या बोल सकते 2.0 नैनोमीटर, ठीक है बेटा, अगर हम इसको बताएंगे डायमीटर। और एक टर्न किसके बराबर है, एक टर्न में आपको 10 न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, कितने 10 न्यूक्लियोटाइड्स, और उसकी जो लेंथ होगी एक टर्न की दैट इज अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम, दैट विल बी इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। ये चीज हम थोड़ा क्लियर करेंगे, स्ट्रक्चर में भी थोड़ा हम लिखते हैं, पहले थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हम ये लिख सकते हैं द डायमीटर ऑफ डीएनए, द डायमीटर ऑफ डीएनए ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो हमारे पास बी डीएनए बाद में डिफरेंट हो सकता है, द डायमीटर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम, इसमें भी इक्वल टू 2.0 नैनोमीटर, इसके बराबर भी आप लिख सकते। तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन करूं, ये चीज तो और की समझ में आई पल, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप समझ लो मेरी बात, आप समझ लो मैं आप स्ट्रैंड बना रहा हूं, ठीक है ना। सो दिस इज वन स्ट्रैंड and this is another strand, I am making it, ठीक है ना बेटा, ये another strand है, और this runs from 5' to 3' and this runs from 3' to 5'. अब ये वाला region जो बनेगा, what will be this? This will be a diameter. ये diameter बनेगा, ठीक है बेटा, what will be this called as? Diameter. This will be called as diameter. और डायमीटर जो इसका है हमने बताया 20 एंगस्ट्रॉम या बोल सकते हो 20 नैनोमीटर, इसका डायमीटर है। तो वो पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज वन टर्म, याद रखोगे बेटा, अगर आप यहां से जाओगे, इफ यू विल कम फ्रॉम दिस इज अ वन टर्म फ्रॉम हियर अप टू हियर, आप समझ लीजिए हमारे पास, अगर मैं और एक टर्म भी दे सकता था इसको, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की एक टर्म बन जाएगा, इजंट इट, कंप्लीट टर्म बन जाएगा। और एक टर्म की अगर हम बात करेंगे, एक टर्म के अंदर अगर आप देखोगे वी हैव, इसका जो लेंथ बन जाएगा दैट विल बी 34 एंगस्ट्रॉम, एंड दैट विल बी इक्वल टू, आप बोल भी सकते हो 3.4 नैनोमीटर के बराबर है। और इसके अंदर आप कितने न्यूक्लियोटाइड्स देखोगे, 10 न्यूक्लियोटाइड्स आपको देखने को मिलते हैं। और इस चीज को हम बोलते भी हैं, वी कैन कॉल इट एज अ पिच, इसको पिच बोल सकते हैं या टर्न बोल सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट, ईच टर्न, या हम बोल सकते हैं पिच, ठीक है बेटा, कंसिस्ट ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड्स, कितने इसके अंदर बेटा 10 न्यूक्लियोटाइड्स है, and length is equal to, and length is equal to कितनी है 34 angstrom और 3.4 nanometer आप बोल सकते हो, इसकी length बनेगी एक टर्म की, जिसको आप पिच बोल सकते हो, ठीक है ना बेटा। अब आप समझ लो कैसे, मैं सीधे बताऊंगा,
इसके बाद आपको और एक चीज भी मिलेगी, एक तो आपको मिलेंगे माइनर गुरु, समझ लो ये माइनर गुरु है, माइनर गुरु, छोटा सा गुरु मिलेगा, और कुछ आपको मिले जैसे ये वाला गुरु आपको मिलेगा, इट इज अ मेजर गुरु। आपको क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, माइनर गुरुज एंड मेजर गुरु। अब माइनर एंड मेजर गुरुज का काम क्या है, देखो पहले जो भी एंजाइमेटिक एक्शन होती है ना डीएनए के ऊपर, जैसे रिप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, कोई भी एक्शन जो होती है, ये एंजाइम जो है ना इसी ग्रूव में फिट हो जाते हैं, उसके बाद अपनी एक्शन जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। बात आई मेरी समझ? सो मेजर एंड माइनर ग्रूव जो है दे आर प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए। माइनर ग्रूव छोटा होता है और मेजर ग्रूव बड़ा होता है, किसके लिए होते हैं, फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं डीएनए को बाइंड हो जाते हैं और फंक्शन, जैसे डीएनए रिप्लिकेशन को बाइंड होना हो, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, जैसे भी प्रोसेस हो, रिप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, डीएनए के ऊपर जो भी एंजाइमेटिक प्रोसेस होते हैं, और मोस्टली एंजाइम जो है वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेजर ग्रूव की बात करूँ, समझ लीजिए एंजाइम आ गया और यहाँ पे अपनी बॉल जो है काम करना जो है शुरू कर देगा, इसके अंदर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, और फिट हो गया अंदर बाइंड हो गया तो ऑटोमेटिकली अपना काम जो है करना शुरू कर देगा। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? अब उससे पहले और एक चीज मैं बताऊंगा, वो बाद में देखेंगे, इसके बारे में भी लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट। अब देखो बेटा जो हमारा डीएनए है, पॉइंट टू बी नोटिस इंपॉर्टेंट, डीएनए का जो बैकबोन है दैट इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जहां से आपको मिलेंगे जो मैंने दिखाए थे आपको, वो होती है हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दैट मीन्स दैट हैड्स टू रिएक्ट विद द वाटर। और जो बाकी जो इसको नाइट्रोजन बेस्ड होती है बाहर से, वो होती है हाइड्रोफिलिक, वाटर लवली। इसका मतलब जो पार्ट वाटर व्हाट यू कॉल दिस हेटिंग हो, वो पार्ट क्या हो जाएगा, वो कोर की ओर आ जाएगा, सेंटर की ओर। जो वाटर लविंग होगा वो कहाँ पे होगा, पेरीफेरी पे होगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमें बताओ व्हाई डीएनए हैज टेकन ए व्हाट एक्टिविस्ट स्ट्रक्चर, द रीजन इज दैट कि इसके पास क्या क्या है, एक तो इसके पास हाइड्रोफोबिक पार्ट है और इसके पास क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो अंदर की ओर कोर में है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है दैट इज व्हाट, दैट इज स्टैकर्ड आउटसाइड, वो इन आउटसाइड है। तो हम ये बोलेंगे ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज अ व्हाट, हाइड्रोफोबिक डीऑक्सीफॉस्फेट बैकबोन, दैट इज अ 3'5'फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वो क्या होता है बेटा, हाइड्रोफिलिक होता है, सॉरी वो हाइड्रोफिलिक होता है, दैट इज व्हाट लविंग। तो उसके क्या होता है कि वो आउटसाइड पेरीफेरी पे आ जाता है, और जो इसकी बेसिस होती है नाइट्रोजन, वो क्या होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है, एंड दे आर स्टैगर्ड इनसाइड। तो उसकी वजह से जो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाता है। मेरी बात आई समझ में? तो हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास डीएनए, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, फिर एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, आप समझ लो ये हमारे पास डीएनए है। इस चीज को मैं क्लियर करूंगा ताकि आप चीजें समझ पाओगे इसकी। आप समझ लो ये हमारे शुगर क्या होता है, इज इट वाटर लविंग और वाटर हैटिंग, और आप समझ लो यहाँ पे मेरे पास जो बॉन्ड यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो गवान उसी में, यहाँ पे एडिनिन। मेरी बात सब सुनना। अब ये जो फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन है, यहाँ हम बोलेंगे ये जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज बैकबोन है, और जहाँ पे हम बोल भी सकते हैं वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स है, ये वाला जो हमारे पास है ये हाइड्रोफिलिक है, इट इज वाटर लविंग। और ये वाले पार्ट जो है नाइट्रोजन बेसिस, व्हाट आर दे, दे आर हाइड्रोफोबिक। अब मुझे बताओ अगर ये वाटर लविंग है, I mean, they will love to react with the water. That means what they will be present on periphery these. Yes, sir. ये periphery की ओर बढ़ेंगे, बाहर की ओर, water की ओर react करेंगे. और ये जो हमारे पास nitrogenous base से, if they are what hydrophobic in nature, that means they do not love to react with the water. What will happen? They will come inside. और इस तरह orientation हो जाएगी, it will become a twisted structure. बात आई मेरी समझ में? ये तो common sense है, अगर आपने phospholipid bilayer देखी होगी, उसमें जो हमारे पास heads होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, दे लव टू रिएक्ट, दैट्स व्हाई दे आर टुवर्ड्स द वाटर। वो साइटोप्लाज्म की ओर होते हैं और बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की ओर होते हैं। टेल्स क्या होती है, वो मिडल में आ जाती है। ऑरिएंटेशन तो तभी होगी ना उसकी, उसकी क्यों, आपको कोई बोल सकता है व्हाई द लिपिड बायलेयर हैज टेकन अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, व्हाई इट हैज टेकन अ स्ट्रक्चर लाइक दैट, द हेड्स आर ऑन टू द पेरिफेरी एंड टेल्स आर इनसाइड, व्हाई, बिकॉज़ ऑफ इट्स हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, दैट इज एम्पैथिक मॉलिक्यूल, इट इज
उस बेस पे हम बोल सकते हैं, उससे वो ऑरियंटेशन ली। अगर आपसे कोई बोलेगा व्हाई डीएनए हैज टेकन अ हेलिकल शेप्ड ऑरियंटेशन, द रीजन मे बी इट हैव अ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड्स, इजंट इट, उसी की वजह से। तो हम ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे आप द डीएनए कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक डीऑक्सी बैकबोन विद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, इजंट इट। ओरिएंटेड टुवर्ड्स पेरिफेरी, ये है बेटा, एंड हाइड्रोफोबिक नाइट्रोजीनस बेसिस, ओरिएंटेड टुवर्ड्स इनसाइड, यहां बोल सकते टुवर्ड्स कोर, कोर तो यही बनाएंगे ना सेंटर, तो इसकी ऑरियंटेशन हो जाती है। वो तो जिससे आप ये पॉइंट आप याद रखो कि डीऑक्सीराइबोस विद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो हमारे पास है वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक है, बॉन्ड मतलब वो पेरिफेरिक है, वो नाइट्रोजन बेस जो है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, वो कहां पे चले जाएंगे, इनसाइड, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। डीएनए स्ट्रैंड जो है दे आर पॉलर टू ईच अदर, इजंट, दे आर एंटी पॉलर टू ईच अदर, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बाद ही, कॉम्प्लीमेंट्री मींस एडेनिन बाइंड्स हैव अ टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमिन एंड गवासिन हैव अ ट्रिपल बॉन्ड्स विद साइटोसिन, दिस इज अ एंटी पॉलर, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, व्हाट आर दे कॉल्ड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये पॉइंट आप याद रखोगे, लिखो आप ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटीपॉलर टू ईच अदर बट कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, आप बोल सकते हैं एंटीपॉलर भी है और क्या है, कंप्लीमेंट्री भी है। आइडेंटिकल नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना, देखो। वन मोर पॉइंट, और एक पॉइंट हाईलाइट करो, ये कौन सा पॉइंट हम लिख रहे हैं, सेवेंथ लिखो, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए are they identical, no. The two strands of are not identical of DNA are not identical, lekin kya hai, but complementary to each other, hai ki nahi, yes sir, bolo jaldi se, complementary hai, yes sir। एट्थ पॉइंट लिखो, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन विच एडेनिन मेक्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमिन एंड गवानोसिन मेक्स थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद साइटोसिन, बट रिमेंबर दिस थिंग, द गवानोसिन विद थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद साइटोसिन इज 50% मोर स्ट्रॉन्गर देन एडेनिन मेक्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमिन। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आएगा, बात सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे पास एक डीएनए है which is rich in guanosine, that means automatically double strand, then cytosine is also rich, yes,
तो दूसरा डीएनए हमारे पास है विच इज रिच इन एडेनिन एंड थायमिन. आप मुझे बताओ कौन सबसे ज्यादा मोर स्टेबल रहेगा और मोर स्ट्रांग? गवानिन विद साइटोसिन. उसको आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक डाउन करने के लिए बॉन्ड्स को, आइसोलेट करने के लिए, isn't it? स्ट्रांगर कौन है ज्यादा? गवानोसिन, क्योंकि मैंने बोला 50% मोर स्ट्रांगर. तो आप लिख सकते हो रिपोर्ट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए are held together by hydrogen bonds, by hydrogen bonds. The adenine makes two hydrogen bonds with thymine, while as guanine makes triple bond with cytosine. Guanosine makes triple hydrogen bond with cytosine, isn't it? Yes, sir. One more point. The guanosine having triple bond with cytosine is 50% more stronger. More stronger than adenine making two hydrogen bonds with thymine. इसका मतलब क्या हो गया? अगर तुम्हारे पास डीएनए गवानोसिन रिच होगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए, उसमें साइटोसिन भी ज्यादा होगा. The DNA will be more stable and more strong, yes, sir. as compared to this one. बात आई मेरी समझ में? So GC वाला content strong है, ठीक है ना? उसमें triple hydrogen bond है. अब जितना GC ज्यादा रहेगा उतना DNA strong ज्यादा रहेगा. बात आई मेरी समझ में? आगे चलते हैं और एक point को देख लेंगे. These are the two points जो आपको याद रखने हैं इसमें. और कुछ points हैं इसके जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? अब ये वाला पॉइंट मैं लिखूंगा. द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्मड बिटवीन प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स, ठीक है ना? ये वाला पॉइंट भी लिख देते हैं इसमें. व्हाई नॉट बिटवीन द प्यूरिन्स एंड प्यूरिन्स, व्हाई नॉट? लार्जर साइज की वजह से स्पेस में अकोमोडेट नहीं हो जाते. और दूसरी बात, स्पेस ज्यादा हो जाती है अगर प्यूरिन्स दो मिलेंगे तो, स्पेस बीच में ज्यादा हो जाती तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होते. तो लिखो आप नाइन्थ पॉइंट. The hydrogen bonds are formed between purines and pyrimidines. Yes, sir. Between purines and pyrimidines. Two purines cannot form a hydrogen bond. Why not? Because they cannot get accommodated in a small space. So I'm likh sakte. Two purines cannot form hydrogen bonds because they cannot get accommodated in small space due to their large structure. इनका structure ज्यादा बड़ा होता है. क्यों? क्योंकि pyrimidines में दो aromatic ring होती है. The two pyrimidines cannot what? Form the hydrogen bonds. Why? Because due to the small structure and due to the large space between them. तो आप लिख सकते हो एक point. यहां पे मैं लिखाऊंगा टू पायरिमिडिन्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल स्ट्रक्चर which results large gap between them, जिसके वजह से उनके बीच में क्या हो जाती है? लार्ज गैप हो जाती है. तो मिलने नहीं पाएंगे, जिससे नजदीक नहीं आएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की चांसेस कम है, ठीक है ना? अब और एक पॉइंट माइनर और मेजर ग्रुप पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो हम ये लिख सकते हैं
कि हमारे पास जो डीएनए होता है इसके अंदर क्या होता है, मेजर एंड माइनर ग्रुप, और मेजर एंड माइनर ग्रुप किसके लिए काम आते हैं, फॉर द एंजाइमेटिक एक्शन, द एंजाइम इज बाइंड देयर एंड हैव एंजाइमेटिक एक्शन देयर. तो लिखो ये वाला पॉइंट, द डीएनए कंसिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर ग्रुप. अब एक ट्विस्ट स्ट्रक्चर कैसे आ गया बेटा, ग्रुप्स की क्यों आ गया ट्विस्ट स्ट्रक्चर डीएनए का, ग्रुप्स की नहीं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक की वजह से. ठीक, लिखो आप और एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ऑरिएंटेशन इसकी वजह से हो गया. इट कंसिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर ग्रुप्स. Which are responsible for binding of enzymes. Okay, enzymatic action of DNA group. ठीक है, और एक पॉइंट लिख सकते हो, ये तो इंपॉर्टेंट है. अब ये स्ट्रैंड मुझे बताओ, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए हमारे पास, इट इज ओबेइंग चार कैप्सूल, यस. आप लिख सकते हो, इट ओबेज चेयर ग्राफ्स रूल विच स्टेट्स दैट देयर इज अ इक्विमोलर कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन purines and pyrimidines in a double helical structure in double stranded DNA in which A is equal to T and G is equal to C. ये बांडिंग इक्वल टू है, ठीक है बेटा. तो ओबे किया इसने चार ग्राफ्स रूल को भी, यस इट हैज ओबेड द चार ग्राफ्स रूल. अब ये कुछ पॉइंट्स थे किसके, साइलेंट फीचर्स अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर व्हिच वाज गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक्स. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास कितने डीएनए, वी हैव अबाउट सिक्स टाइप्स ऑफ डीएनए, फ्रॉम ए टू ई एंड जेड. ए टू ई राइट हैंड है सारे, और जेड जो है वो क्या है, वो लेफ्ट हैंड. ये पॉइंट आप थोड़ा ऐड करके लिखो इसको, मे बी कभी पूछा जाए आपको. बेटा हमारे पास देयर आर अबाउट सिक्स टाइप्स ऑफ डीएनए, तो हम ये बोलेंगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डबे में लिख रहा हूं. वी हैव सिक्स टाइप्स ऑफ डीएनए फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ए टू जेड, सॉरी फ्रॉम ए टू ई एंड जेड. ए टू ई दैट्स ए बी सी डी ई एंड जेड. याद रखो कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है जिसके बारे में मोस्टली पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है नेचर के अंदर, दैट्स ए बी एंड जेड. अब वाटसन एंड क्रिक का कौन सा था, बी. याद रखना बेटा, वाटसन एंड क्रिक का क्या था, बी था. अगर आपसे पूछा जाएगा ए कौन सा है, आप लिखोगे राइट हैंडेड. कौन सा बेटा, राइट हैंडेड हेलिकल है, और इसके अंदर हर एक टर्म के ऊपर आप देखोगे 10 बेस पेयर्स है, किसके अंदर, पर टर्म, सॉरी इसके अंदर 11 बेस पेयर्स. हाउ मेनी, किसके, ए राइट हैंड. अगर आप बी की बात करो, बी इज आल्सो राइट हैंडेड है कि नहीं, और इसके अगर आप बात करोगे 10 बेस पेयर्स आपको कहां पे मिलेंगे, पर टर्न के अंदर. ठीक है बेटा, उसके पास जेड जो है इट्स अ लेफ्ट हैंडेड, इसके अंदर आपको 12 बेस पेयर्स मिलेंगे पर टर्न के अंदर. ठीक है ना, और जेड किसकी वजह से है, जिक जैक की वजह से. पॉइंट याद रखोगे, ये चीजें जो सब मैंने इसमें डबे में लिखी, ये चीजें तो नीट में पूछी गई हर साल, मैं तो इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखा रहा हूँ. सिक्स टाइप्स ऑफ डीएनए फ्रॉम ए टू एंड जेड, उसमें ए बी जेड जो इम्पोर्टेंट है, और उसमें ए राइट हैंडेड है, 11 बेस पेयर्स पर टर्न है, बी राइट हैंडेड 10 बेस पेयर्स पर टर्न है, Z लेफ्ट हैंड 12 बेस पर टर्न है, और Z का जो नेम आया वो zigzag की वजह से आया है.
ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट करके रख दीजिए इस पर, तो कल जो हम प्रॉस पढ़ने वाले हैं दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है।